रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों रखे जाते हैं? दर हकीकत रेलवे ट्रैक पर इन पत्थरों की मौजूदगी के पीछे एक साइंसी वजह छुपी हुई है। बजाहिर तो ट्रेन का ट्रैक देखने में बहुत सादा नजर आता है, मगर हकीकत में इतना सादा नहीं। स्टील ट्रैक के दरमियान कंक्रीट लकड़ी से बने तख्ते मौजूद होते हैं, जिनको स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे और दरमियान में पत्थर मौजूद होते हैं, जिनको बलास्ट कहा जाता है। इसके नीचे मिट्टी से बनी मजीद दो तहें होती है, जिसके बाद जमीन की आम सतह आती है। हमको तो लगता है कि ट्रैक को आम सतह पर बिछाया गया है, मगर ये दुरुस्त नहीं। अगर आप बारीक बीनी से जायजा लें तो ये ट्रैक आम सतह से कुछ बुलंद होते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस्तेमाल होने वाली ट्रेनों का वजन लाखों किलोग्राम का होता है, और ये बोझ ट्रैक अकेला उठा नहीं सकता। ट्रैक हर जगह पहले पत्थर इस काम में मदद फराहम करते हैं, और वो खास किस्म के होते हैं जो ट्रेन के गुजरने के इर्तियाज से भी अपनी जगह से नहीं हिलते। अगर वहाँ आम पत्थरों का इस्तेमाल हो तो वह ट्रेन के गुजरने के नतीजे में अपनी जगह से सरक जाएंगे, जिससे ट्रैक भी अपनी जगह से हट सकता है। अगर आप ट्रैक पर ट्रेन को गुजरते हुए देखें तो नजर आएगा कि वहाँ पहले पत्थर अपनी जगह से हिलते नहीं। जबकि तख्तों को भी अपनी जगह मुस्तहकिम रखते हैं, इस तरह ट्रैक ट्रेन का बोझ आसानी से उठा लेता है। इन पत्थरों के इस्तेमाल की चंद और वजूहात भी हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो उसकी हरकत से इर्तियाश भी पैदा होता है, जिससे ट्रैक के फैलने का इम्कान होता है। इस इर्तियाश के असर को ये पत्थर को कम कर देते हैं। इसी तरह अगर ये पत्थर मौजूद न हो तो कंक्रीट के स्लीपर्स मुस्तहकिम नहीं रह पाते। उसके नतीजे में ट्रैक के लिए ट्रेन का वजन संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। और हाँ, अगर ये पत्थर मौजूद न हो तो ट्रैक पर घास, पौधे और दरख्त उग सकते हैं, जिससे ट्रेन को सफर के दौरान मुश्किल का सामना हो सकता है, मगर ये पत्थर किसी किस्म के सब्जे को उगने नहीं देते। इन पत्थरों की वजह से बारिश का पानी भी ट्रैक पर खड़ा नहीं होता, बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरीक़ेकार का इस्तेमाल कई साल से किया जा रहा है और अब भी बहुत मुअस्सर साबित हो रहा है।